नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भाजपा जिलाध्यक्ष ने जन सहयोग से एकत्रित किए 38 ऑक्सीजन सिलेंडर, स्वयं लादकर जिला प्रशासन को कराए उपलब्ध। शिवपुर जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडरों की आ रही कमी को दूर करने की मंशा से आज दोपहर 12 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर जन सहयोग से करीब 38 ऑक्सीजन सिलेंडरों को जिला प्रशासन को उपलब्ध कराते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए व्यवस्थाएं जुटाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडरों की आ रही कमी को दूर करने की मंशा से भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने अपने साथी राम अवतार शर्मा, परम जाट, हुकुम सिंह, प्रीतम जाट के साथ मिलकर जन सहयोग से 38 ऑक्सीजन सिलेंडर को एकत्रित किया, जिसे पिकअप वैन में डालकर जिला चिकित्सालय में प्रशासन के अधिकारियों को उपलब्ध कराया। इस दौरान कोई मजदूर की व्यवस्था नहीं होने के कारण भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने स्वयं सिलेंडरों को गाड़ी में लोड कराया। इस दौरान उनके साथियों ने भी सहयोग किया। भाजपा जिलाध्यक्ष जाट ने कहा कि मानवता की सेवा का अवसर भाजपा का हर एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से पूरा कर रहा है और लगातार भाजपा कार्यकर्ता आमजन की सेवा में पूरे प्राण प्राण से जुटा रहेगा। शहर में लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन के लिए भिंड जाना पड़ता है और ग्वालियर जाना पड़ता है, उसमें लंबा समय लगता है। ये सिलेंडरों की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी और इस कारण से लगातार शोपुर में इसका अभाव देखते हुए कई लोगों की जान जाने की स्थिति इसमें आ गई थी। यह बात जब जानकारी में मिली तो जो मेरे मित्र हैं हुकम सिंह जी और प्रीतम सिंह जी, इन लोगों को यह बात जानकारी में मिली, मेरी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास रखे हुए हैं कुछ सिलेंडर जिनको हम आपको दे देते हैं। 38 सिलेंडर ऑक्सीजन के अभी इन्होंने हमें उपलब्ध कराए हैं, हमने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे लोगों की जान बचे। हम सब लोगों से आग्रह है कि अभी हम सब व्यवसायी लोगों को छोड़कर और जनहित में काम करें और जनता की सेवा के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आएँ। सबसे पहले लोगों की जान बचाने का प्रयास करें, ईश्वर उसको याद रखेगा, इतना मेरा इस अवसर पर कहना है।